السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاه والسلام على رسوله الامين نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अल्लाह मबारक आहमद उमाल महमद का मबारक इब्राहिम वाला इब्राहिमीद महतरम नाजरीन एक बार फिर से मैं खलील रहमान सनाबली आप तमाम अहबाब का तमाम मर्दों औरतों बच्चों बुजुर्गों जवानों का तमाम का मैं इस सच्चे वाकयात नामी सीरीज़ के छठे एपिसोड में इस्तबाल करता हूँ खुश आमदी कहता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप तमाम के सुनने को बैठने को कबूल फ़रमाए आमीन महतरम नाज्रीन आज के इस एपिसोड में हम दो बेहतरीन वाकयात आपके सामने ज़िक्र करेंगे जिसमें से एक वाक़े का ताल्लुक़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वम के ज़माने से है और उसमें ख़ास तौर से नौजवानों के लिए बड़ी इबरत है बड़ी नसीहत है और दूसरा वाक़ हम इन एक मशहूर इमाम के ताल्लुक से आपके सामने बयान करेंगे उसमें भी बड़ी नसीहत है बड़े इबरतें हैं ख़ास तौर से इस सोशल मीडिया के दौर में जहाँ पर लोग तरह तरह की बेहयाियाँ तरह तरह की चीज़ें तरह तरह के खुराफात में मुबला हैं आइए शुरू करते हैं सबसे पहला वाक़ जो मसरत अहमद में सही सनत के साथ इमाम अहमद बिन हम्बल बिनहबलर ने अपनी मुसनत के अंदर दर्ज किया है हज़रत अबू उमामा बाहि रफ़ अल्लाह तैन फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वम के पास एक मरतबा एक नौजवान आया और आने के बाद अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वम से कहता है ई दी बना या रसूल गौर से सुने कहता है अल्लाह के रसूल वसल्लम मुझे जना करने की इजाज़त दे दीजिए किससे इजाज़त मांग रहा है उस इंसान से उस शख्सियत से उस नबी और रसूल से जो दुनिया में जना और इन जैसी दीगर दूसरी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए आए थे जिनका मकसद अच्छाई को फैलाना और बुराई को ख़त्म करना समाज को बुराई से पाक करना था उस शख्सियत के पास आकर वो नौजवान सवाल करता है इजाज़त मांगता है किसकी बदकारी की जना करने की इजाज़त मांग रहा है आपका रिएक्शन क्या होगा आपके पास अगर कोई आए इजाजत मांगने या ये कहने कि मैं फ़ला लड़की से या फला इंसान से जिना करना चाहता हूँ या चाहती हूँ या मुझे जिना करना है आपका रिएक्शन क्या होगा आप गुस्सा करेंगे आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो जाएगा आप भड़केंगे उसके ऊपर आप तानो तशनी करेंगे बुरा भला कहेंगे और उसे डांटेंगे फटकारेंगे और तरह तरह की चीजें मुमकिन है कि आप उसे मारें भी लात घूसो कि आप बारिश कर दें प्यारे नबी वसल्लम का अख्लाक देखें आपकी मोहब्बत देखें आपकी नवाजिश देखें दुनिया में आप मोहब्बत फैलाने के लिए आए थे आप रहमत बनकर आए थे आप रहमतुल्लिल आलमीन थे सहाबा ने भी गुस्से का इजहार किया नबी से जिना की इजाजत मांग रहे हो एक गलत काम की कबीरा गुनाह की इजाजत नबी से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं उसको डांटो नहीं उदनो हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको मेरे करीब करो फदना करीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खुद उसके करीब गए और उसके करीब जाने के बाद आपने उसे कुछ नहीं कहा आपने उसे डांटा नहीं मारा नहीं फटकारा नहीं कुछ भी गलत आपने उससे नहीं कहा और उसके सवाल का जवाब भी नहीं दिया बल्कि उल्टा आपने उससे सवाल कर लिया अतहिब्बू लि उम्मी का मेरे साथी मेरे नौजवान ये बताओ जिस काम की इजाजत तुम मांग रहे हो मुझसे जना की क्या इस जना को तुम अपनी मां के साथ होता हुआ देखना अपनी मां के साथ पसंद करोगे तुम्हें अच्छा लगेगा लाया ला रसूल ला, जयलनी फिदा का वो नौजवान फ़ौरन जवाब देता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल का नहीं नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मुमकिन नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता ये तो इम्पॉसिबल है अल्लाह मुझे आप पर कुर्बान करे ऐसा मैं देख नहीं सकता हूँ ऐसा मेरी नज़रों के सामने नहीं हो सकता मेरी जानकारी में नहीं हो सकता प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व नासू लोग भी इस काम को पसंद नहीं करते हैं कि कोई उनकी माँ के साथ जिना करे कोई उनकी माँ के साथ बदकारी करे फिर आपने एक और सवाल किया आ तो हो नची का क्या इस काम को जना के अमल को तुम अपनी बेटी के साथ होता हुआ देखना पसंद करोगे कि तुम्हारी बेटी के साथ कोई जिना करे ला या रसूल في का नहीं नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम यह हरगिज़ नहीं हो सकता मैं ये काम अपनी बेटी के साथ होता हुआ नहीं देख सकता और ना ही किसी को इजाजत दूंगा अल्लाह मुझे आप पर कुरबान करे प्यारे नबी वसल्लम ने फरमाया कोई दूसरे लोग भी अपनी बेटियों के साथ इस काम को पसंद नहीं करते फिर आपने पूछा क्या इस काम को तुम अपनी बहन के साथ करने की किसी को इजाजत दोगे पसंद करोगे तुम्हें ये चीज अच्छी लगेगी लाया रसूल ला, नहीं अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम जाने फिदा फिदाका कोई मेरी बहन के साथ जिना की इजाज़त मांगे मैं इजाजत दे नहीं सकता इस काम को होता हुआ देख नहीं सकता अपनी बहन के साथ अल्लाह मुझे आप पर कुर्बान करे फिर प्यारे नबी अलैहि वसल्लम ने एक और सवाल किया अतोहिबू लिया क्या इस काम को तुम अपनी फूफी के साथ अपनी बुआ के साथ होता हुआ देखना पसंद करोगे क्या तुम्हारी फूफी के साथ कोई जिना करे तुम बर्दाश्त कर पाओगे तुम्हें अच्छा लगेगा क्या किसी को इजाजत दोगे कि तुम्हारी फूफी के साथ कोई जिना करे ला या रसूल था। जालनी अल्लाह फिदा का वही जवाब उस नौजवान का था जो नबी से जना की इजाज़त मांगने के लिए आया था नबी ने जब उसकी रिश्तेदार औरत के साथ जना के बारे में सवाल किया वो कहता है, नहीं नहीं अल्लाह के रसूल मुझे आर्गिज़ पसंद नहीं है अल्लाह मुझे आप पर कुरबान करे फिर एक बार और आखिरी सवाल किया प्यारे नबी सल्ला वसलम ने आतोहिबू लिखा ली का क्या तुम्हारी खाला के साथ अगर कोई जना की इजाज़त मांगे क्या तुम उसको इजाज़त दोगे क्या तुम्हें ये बात पसंद है क्या तुम किसी को अपनी खाला के साथ जना करता हुआ देख सकते हो ला या रसूल अल्ला। अल्लाह जयलनी फिदा का नहीं, नहीं अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम नहीं ऐसा हो नहीं सकता ऐसा होना मुमकिन नहीं हर गिज़ नहीं अल्लाह मुझे आप पर कुर्बान करे फ़िर नबी रिश्तेदार खवातीन जिनके साथ आप इमोशनली जज्बाती तौर से अटैच होते हैं जिनसे आपको शदीद तरीन मोहब्बत होती है माँ से महब्बत कौन नहीं करता बेटी से महब्बत कौन नहीं करता बहन से महब्बत किस इंसान को नहीं होती खाला से कौन इंसान महब्बत नहीं करता खाला को माँ के बराबर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया और फूफी को बाप की बहन से किसको को नहीं होती ये वो रिश्तेदार ख़वात हैं जिनसे शादी करना हराम है जो महरम शुमार की जाती हैं, इन अलग अलग रिश्तेदार औरतों का नाम ले लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से पूछा उससे सवाल किया और उससे जवाब मांगा कि क्या माँ बहन बेटी फूफी खाला इनमें से किसी के साथ जिना अगर हो तो क्या तुम इसको बर्दाश्त कर पाओगे क्या इजाजत दोगे क्या उनके साथ जना होता हुआ देख सकते हो हर सवाल के जवाब में उस नौजवान ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया ला 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 नहीं 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 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता अल्लाह मुझे आप पर इसके बदले कुर्बान कर दे मैं अपनी जान दे दूं अपनी जान को कुर्बान कर दूं यह मुमकिन है लेकिन मैं अपनी माँ के साथ बहन के साथ बेटी के साथ खाला और फूफी के साथ जिना होता हुआ नहीं देख सकता आप अलैहि वसल्लम ने उसके हर जवाब के बाद एक जुमला कोट किया एक सेंटेंस उसके पीछे लगाया क्या था आपने हर बार कहा कि तमाम लोग भी अपनी मां अपनी बेटी अपनी खाला अपनी बहन अपनी भूपी के साथ जिना होता हुआ नहीं देख सकते उस नौजवान की समझ में बात आई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मार कर नहीं समझाया डांट कर नहीं समझाया आपने फटकार कर नहीं समझाया आपने उसको झाड़ नहीं पिलाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तानो तशनी नहीं की उसको गाली नहीं दी बुरा भला नहीं कहा बल्कि मोहब्बत के साथ उल्टा सवाल करके आपने उसका जवाब दिया और जवाब देने के बाद आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर अपना हाथ रखा अपना हाथ रखा आप वसल्लम ने उसके सर पर और हाथ रखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि ने उसके लिए तीन दुआ मांगी अल्लाह मफ़िर ज़म्बा वत हिरल्बा वह अल्लाह फर्जा इस नौजवान के गुनाह को माफ़ कर दे इसकी ग़लती को दरगुजर कर दे विन विरल्बा और अल्लाह इसके दिल को तमाम तरह के गुनाहों से पाक साफ कर दे वस सिर्जा और अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाज़त फरमा इसकी शर्मगाह को इसे गलत इस्तेमाल करने से दूर कर दे बचा ले प्यारे नबी दुआ कर दी उसके बाद रावी कहता है हदीस बयान करने वाले मुहदस कहते हैं फलम बल कल फता प्यारे नबी अलैहि वसल्लम के उस समझाने उस नसीहत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मोहब्बत के बाद और आपकी उन दुआओं के बाद रावी कहते हैं किसी ने भी उस नौजवान को अपने शहर में नज़र उठाकर इधर उधर अपनी आंखें मटकाकर चलता हुआ नहीं देखा किसी ने भी नहीं देखा उस नौजवान ने अपनी निगाह ऊपर करनी ही छोड़ दी किसी औरत पर गलत निगाह डालना ही छोड़ दिया किसी औरत पर गलत निगाह डालने से उसने तौबा कर लिया प्यारे नबी अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हो गई अल्लाह ने उसके गुनाह माफ़ कर दिए उसके दिल को गुनाहों से पाक साफ कर दिया उसकी शर्मगा की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली वो नौजवान शर्मगा की हिफाजत करता रहा निगाह की हिफाजत करता रहा मेरे नौजवानों इसी समाज में रहने वाले इंसानों माओ बहनों नौजवान लड़कों और लड़कियों इस वाक़े से इस किस्से से इबरत सबक़ और नसीहत हासिल करो पैगाम समझो कि जिस लड़की से तुम जना कर रहे हो या जिस लड़की के साथ घूम रहे हो वो किसी की बहन है वो किसी की बेटी है किसी की फूफी है किसी की खाला है या किसी की माँ हो सकती है जिस तरीके से तुम्हें ये बात पसंद नहीं है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी खाला तुम्हारी फूफी तुम्हारी बेटी या तुम्हारी बहन के साथ कोई घूमे कोई फ्लट करे कोई उन पर बुरी निगाह डाले कोई उनके साथ गलत बातें करे कोई उनके साथ घूमे कोई उनके साथ जिना और बदकारी करे जैसे तुम्हें पसंद नहीं है कि तुम्हारी रिश्तेदार औरतों के साथ कोई गलत काम करे या गलत निगाह डाले ऐसे ही नौजवानों ज़रा सोचो समझो नसीहत हासिल करो कि जिस लड़की के साथ घूम रहे हो जिस लड़की के साथ तुम रंग रलिया मना रहे हो जिस लड़की के साथ जना और बदकारी का गलत काम कर रहे हो वो किसी की बहन है किसी की बेटी है किसी की माँ हो सकती है किसी की खाला हो सकती है किसी की फूफी हो सकती है अल्लाह के वास्ते इस गलत काम से तोबा कर लो ये बहुत बड़ा गुनाह है ये बहुत बड़ी गलती है अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा जुर्म है और किसी को भी इस रास्ते पर ले जाने से अपने आप को बचाओ अगर खुद गलत कर रहे हो तोबा करो दूसरों को इस रास्ते पर लगा रहे हो अल्लाह से तोबा करो माफ़ी मांग लो इसलिए कि अल्लाह फरमाते हैं इन लदीन युहिबून अंतशी अल्फाही शतुफिल्लीन आमन लहुम अदाब अलीम उन दुनिया वल आखिर कि जो लोग इस बात को पसंद करते हैं कि ईमान वालों के दरमियान अच्छे लोगों के दरमियान फहाशी बदकारी बुराई फैले तो सुने लहुम उन अलिम उन लोगों के लिए दुनिया में भी दर्दनाक अजाब है आखिरत में भी ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है व्लामू वंतुमल्ला तम अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है तुम थोड़े वक्त के फ़ायदे के लिए थोड़े वक्त की लज्जत के लिए थोड़े वक्त के सुकून के लिए अपने आप को भी सुकून कर रहे हो अपने आप को गलत रास्ते पर ले जा रहे हो शैतान को खुश करने का मौका दे रहे हो जिना में लज्जत तो है लेकिन ये लज्जत थोड़ी देर के लिए है ये आप अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं कर रहे हैं शर्मगाह का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा गुनाह है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो मुझे दो बात की जमानत दे दे व मई अगमई अग़म्जन्न जो मुझे दो चीज़ों की हिफाजत की जमानत दे दे मैं बहसीत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से सिफारिश करूंगा मैं ऐसे इंसान को जन्नत की जमानत और गारंटी देता हूँ वो जमानत क्या है वो दो चीज़ें क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जो जबान की हिफाजत करने की जिम्मेदारी ले ले और जो दो पहलुओं दो रानों के दरमियान यानी शर्मगा है उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी दे दे मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ आप जन्नत में जाना चाहते हैं ना? आप जहन्नम से बचना चाहते हैं ना आप अल्लाह की पकड़ से अल्लाह के अजाब से बचना चाहते हैं ना तो अल्लाह के लिए गलत कामों से जिनाकारी से बदकारी से और बुरे ख़्यालत से अपने आप को बचाओ मेरे नौजवान बहनों मेरे नौजवान बच्चियों समाज की रहने वाली लड़कियों अपने आप को गलत रास्ते पर जाने से बचाओ किसी लड़के के साथ घूमना छोड़ दो और नौजवान बच्चों किसी लड़की के साथ घूमना छोड़ दो इसलिए कि वो किसी की बेटी है किसी की माँ है किसी की फूफी है किसी की खाला है किसी की बहन है अल्लाह के लिए छोड़ दो जब मार्केट में तुम निकलते हो अकेले निकलते हो दूसरी औरतों पर तुम्हारी निगाह होती है लेकिन जब तुम अपनी बहन बेटी या अपने घर की औरतों के साथ निकलते हो तो मर्दों पर तुम्हारी निगाह होती है कि कहीं तुम्हारी घर के औरतों को कोई देख तो, तो नहीं रहा है जिस तरीके से तुम अपने घर की औरतों की हिफाजत करना चाहते हो और फाजत करते हो ऐसे ही दूसरे लोग भी चाहते हैं कि कोई उनकी माँ बहन बेटी पूपी खाला पर गलत निगाह ना उठाए और याद रखें बद नज़र उठने ही वाली थी किसी गैर की जानिब अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया आपकी निगाह अगर गलत उठती है किसी लड़की की जानिब आप अपनी बच्ची को देख लें आप अपनी बेटी को देख लें आप अपनी माँ को देख लें आप अपनी भूपी को देख लें आप अपनी खाला को देख लें कहीं ऐसा ना हो कोई उन पर भी गलत निगाह डाले कोई उन पर भी बुरी नज़र डाले कोई उनके साथ भी ग़लत करने की सोच रहा हो इसलिए आप इस पैगाम को इस वाक़े से इबरत हासिल करें कि जना ये हराम है जना का कल्चर हराम है जना के तमाम तरलवाज़मात हराम है आँखें जना करती हैं जब गलत निगाह डालती हैं आप इस तरीक़े के कामों को छोड़ दें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की शरीयत ने इस चीज़ को हराम करार दिया है लिहाजा आप इस हराम काम से हराम चीज़ से अपने आप को बचाएं और ज़िनाकारी से अपने आप को बचाने की कोशिश करें यह पहला वाकया था जो आपके सामने पेश किया गया दूसरा वाकया जिसका मैंने वादा किया था कि आज के इस एपिसोड में पेश किया जाएगा इमाम मालिक रहमहुल्लाह का वाक़या बड़ा ही बेहतरीन वाक़या वाक़या यह है कि इम मालिक बहुत बड़े बड़े मशहूर इमाम एक मरतबा कई लोग आए आपके पास और आपसे चालीस सवाल किए और बाँस लोगों ने कई चालीस से भी ज़्यादा लिखा है बहरहाल चालीस सवाल किए कि इतने बड़े इमाम हैं हमें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा और से सुने वो लोग जो ख़ास तौर से दावत की फ़ील्ड से तबलीग की फ़ील्ड से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं चालीस सवाल किए इमाम मालिक रही ने छत्तीस सवाल थर्टी सिक्स क्वेश्चन के जवाब दिए लादरी आई डोंट नो मुझे नहीं मालूम मैं नहीं जानता मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मालूम है चार सवालों का जवाब दिया जो भी सवाल थे ये यहाँ पर यह बात ख़त्म हो गई जो पूछने वाले थे चले गए इमाम मालिक रही की जिंदगी का आखिरी वक्त आया आखिरी लम्हात आए तो रोने लगे गमगीन हो गए परेशान हो गए लोगों ने पूछा क्या हुआ आपने इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारे इतने बड़े इमाम मस्जिद नबी में बैठ आप दर्श दे रहे थे अल्लाह इनशा यकीन आपसे वो खुश होगा इमाम मालिक र्ला फरमाते हैं कहते हैं मैं इस बात पर गमगीन नहीं हूँ मैं इस वजह से परेशान नहीं हो रहा हूँ बल्कि मुझे गम इस बात का लाइक है मुझे परेशानी इस बात की है कि एक मरतबा कुछ लोग आए थे मेरे पास सवाल लेकर चालीस सवाल उन्होंने पूछे थे छत्तीस के बारे में थर्टी सिक्स के बारे में मुझे तो पक्का यकीन है कि मैंने सही जवाब दिया मैंने कह दिया था मुझे नहीं मालूम लादरी 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 ला आलम ला आलम आई नो मुझे नहीं मालूम मैं नहीं जानता थर्टी सिक्स के बारे में मैं श्योर हूं मुझे यकीन है कि वो जवाबा सही थे लेकिन चार के जवाब मैंने दिए थे अब डर इस बात से रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि उन चारों जवाबात में से कोई जवाब गलत रहा हो और अल्लाह कयामत के दिन मुझसे पूछ ले मालिक तुम्हें किसने ये हक़ दिया था कि तुम इस सवाल का जवाब दे दो जबकि तुम्हें सही तरीके से इसका इल्म नहीं था या इत्मीनान नहीं था यह जवाब तुमने दिया तो कैसे दिया मैं डर रहा हूँ और इसी डर की वजह से रो रहा हूँ कि कहीं अल्लाह मुझे पकड़ ना ले यह किसका हाल है इमाम मालिक र्ल का जिनको एक दुनिया सलाम करती है जिनके लिए आज हम दुआएं करते हैं रहीम कहते हैं जिनका नाम आते ही हम अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं उन्होंने अल्लाह की पकड़ से इस जिम्मेदारी के डर से अपने आप को सरेंडर कर दिया और कह दिया मुझे नहीं मालूम कोई डाउट रहा होगा कोई शक रहा होगा मुकम्मल जानकारी नहीं रही होगी हंड्रेड परसेंट श्योर नहीं रहे होंगे इसलिए कह दिया कि मुझे नहीं मालूम नौजवानों दावत की फील्ड से जुड़े हुए लोगों इबरत हासिल करो नसीहत हासिल करो सबक हासिल करो इमाम मालिक रला से कि दुनिया का इतना बड़ा इमाम मुश्तिद मददस फकीह और छत्तीस के जवाब में कहता है ला अदरी ला आलम मुझे नहीं मालूम मैं नहीं जानता आज हमारा नौजवान दो चार किताबें पढ़ता है दो चार वीडियो सुनता है किसी आलिम के दो चार दर्स में शरीक हो जाता है एक आध कोई कोर्स कर लेता है कोई डिप्लोमा कर लेता है या तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में जाकर कोई कोर्स कर लेता है और समझता है मैं सबसे बड़ा दाई मैं सबसे बड़ा मुबलिक किसी ने कुछ पूछ लिया फ़तवा भी दे रहा है सवालों का जवाब भी दे रहा है और जवाब में कहता है मुझे ऐसा लगता है कि नबी ने ऐसा कहा था शायद साहबा ने इसलिए किया हो शायद नबी ने इसलिए कहा हो शायद शायद से काम चलाता है ये बड़ी ज़िम्मेदारी है आप धोखे में हैं आपको जितना इल्म है उतने की तबलीग करें आप मुफ्ती ना बने आपको जिन सवालों का जवाब मालूम ना हो उन सवालों के बारे में कतई तौर से कह दे कि मुझे नहीं मालूम इसलिए कि ला अदरी ला आलम कहना ये भी आधा इल्म है आप अगर जवाब देते रहेंगे देते रहेंगे तो मुमकिन है कि अल्लाह कल क़यामत के दिन आपकी पकड़ कर ले और आप अल्लाह के सामने जवाब ना दे पाए इसलिए खुदारा अल्लाह के वास्ते अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करें और जिन सवालों का जवाब मालूम ना हो अपने इल्म के मुताबिक ही जवाब दें इल्म से आगे जाकर या अपनी मालूम से आगे जाकर कतई तौर से जवाब ना दें वरना आप खुद भी गुमराह होंगे दूसरे लोग भी आपकी वजह से गुमराह होंगे अल्लाह आलमीन से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको हक बात को सुनने समझने और इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तोफ़ी ख़दा फ़रमाए इन शशा आपसे आइंदा एपिसोड में फिर एक नए वाक़े के साथ मुलाकात होगी तब तक के लिए आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मैं इन शाला आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगा अल्लाह हम सबको दुनिया के अंदर अच्छे आमाल करने और ईमान के साथ मौत नसीब फ़रमाए आमीन व सल्नबील करीम रब्बना तकबल मना इन्का तस्मीआलिम वालेक वरहल वर्का